हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। हमारे चैनल में लक्ष्य एकेडमी वैरन आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने पुरस्कार सम्मान, ये जो कि समसामयिक घटना से संबंधित था, उसमें हमने नोबेल पुरस्कार किन किन को नामित किया गया है, जिन्हें सम्मानित किया जाना है 2020 में, उसको पढ़ा था। लेकिन दो क्षेत्रों के बारे में हमारा नहीं हो पाया था, भौतिकी के क्षेत्र में और रसायन के क्षेत्र में। तो आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि भौतिकी के क्षेत्र में और रसायन के क्षेत्र में किन्हें किन्हें नामित किया गया है और किन कारणों से उन्हें चुना गया है 2020 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। उससे पहले कि वीडियो हम शुरू करें, आप सभी से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वीडियो पूरा देखें, अंत तक देखें और वीडियो खत्म करने के बाद लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे किसी भी वीडियो की लिंक आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप रहें सबसे आगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे दो क्षेत्रों का बचा हुआ था, भौतिकी के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2020 और रसायन के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2020। तो हम अभी देखेंगे कि किन को नामित किया गया है। तो फ्रेंड्स, फिजिक्स में तीन वे सम्मानित लोग हैं जिन्हें भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जिनमें हम देखते हैं कि कौन कौन से नाम हैं। तो पहला नाम है रोजर पेनरोज, दूसरा है, ये रोजर पेनरोज ही थे जिन्हें आधी राशि में से अकेले ही सम्मानित, आधी राशि में वो अकेले सम्मानित होंगे। इसके बाद रेनहार्ड जेन जेल और एंड्रिया घेज, आधी राशि में इन दोनों को संयुक्त रूप से सम्मानित किया जाएगा। तो रोजर पेनरोज को किस वजह से इस पुरस्कार के लिए, इतने विश्व के इतने बड़े पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, क्यों सम्मानित किया जाएगा? तो इन्होंने ब्लैक होल के गठन, ब्लैक होल जैसा कि हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, ब्रह्मांड से संबंधित आइंस्टीन जो कि इससे संबंधित बहुत बड़े वैज्ञानिक है, तो रोजर पेनरोज ने बताया कि ब्लैक होल के गठन में जो आइंस्टीन का सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत था, सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत ब्लैक होल के संबंध में आइंस्टीन जी ने दिया था। तो रोजर पेनरोज ने बताया कि ब्लैक होल के गठन में आइंस्टीन जी का सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत जो है, वह ही ब्लैक होल के लिए एक मजबूत पूर्वानुमान था। अर्थात आइंस्टीन ने जो अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर कहा था, उसे इन्होंने सिद्ध किया कि ये सही है। इस कारण से इन्हें भौतिकी के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2020 का प्राप्त होगा 10 दिसंबर को, इसके लिए इन्हें नामित किया जा चुका है। और चूंकि फिजिक्स के क्षेत्र में इन्होंने अपना अलग खोज किया, इनके साथ कोई और नहीं थे,
मतलब इन तीनों लोगों में से कोई और इनके साथ नहीं थे, इसलिए इन्हें आधी राशि अकेले प्राप्त होगी। और आधी राशि में से अब ये दोनों एक साथ आधी आधी बांटेंगे। और इन दोनों ने संयुक्त रूप से क्या काम किया था साइंस के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, जो इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। तो इन्होंने हमारे ब्रह्मांड में आकाश गंगाएं हैं बहुत सारी, तो जो हमारी आकाश गंगा है उसके केंद्र में सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट इसके बारे में बताया, इसकी उपस्थिति को उन्होंने प्रूफ किया या इसको खोज निकाला इन दोनों ने मिलकर था, रेनहार्ड जिनजेल और एंड्रिया घेज। इस कारण से भौतिकी के क्षेत्र में इन तीन लोगों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब ये तीन किस देश के हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा परिचय हम देखते हैं। तो रोजर पेनरोज, इनका जन्म हुआ था 8 अगस्त 1931। रोजर पेनरोज का जन्म हुआ था 8 अगस्त 1931 को, और कहाँ हुआ था, इंग्लैंड के कोलचेस्टर में। कोलचेस्टर में, इंग्लैंड के कोलचेस्टर में इनका जन्म हुआ था 8 अगस्त 1931 को। और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गणित के प्रोफेसर हैं। कौन? रोजर पेनरोज, जिन्होंने ब्लैक होल के गठन के संबंध में आइंस्टीन के सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत को सही प्रूफ करने के मजबूत तथ्य दिए थे। रेनहार्ड जिनजेल और एंड्रिया घेज, इन्होंने सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज की थी। इनके बारे में है कि रेनहार्ड जिनजेल का जन्म हुआ था 24 मार्च 1952, इनका जन्म हुआ था। और रेनहार्ड जिनजेल पश्चिमी जर्मनी, जो कि अब जर्मनी में ही पूरी तरह सम्मिलित हो चुका है, यहाँ इनका जन्म हुआ था पश्चिमी जर्मनी में। एंड्रिया घेज, ये एक महिला है एंड्रिया घेज, और इनका जन्म हुआ था 1968 में, और ये अमेरिका की विश्व प्रसिद्ध खगोल शास्त्री हैं। विश्व प्रसिद्ध तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत ही प्रसिद्ध खगोल शास्त्री हैं अमेरिका की, जिनका जन्म न्यूयॉर्क में 1968 में हुआ था, और जिन्हें 2020 का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो रहा है। तो ये हमने देखा भौतिकी के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार के संबंध में इम्पोर्टेंट जानकारी है, जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। अब हम देखेंगे केमिस्ट्री के क्षेत्र में या रसायन के क्षेत्र में किन्हें सम्मानित किया गया है। सम्मानित किया गया, सम्मानित करने के लिए नामित किया गया है, इन्हें सम्मानित किया जाएगा 10 दिसंबर को। तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में नामित होने वाले दो लोग हैं। पहला इमैनुअल सारपेंटिए और दूसरा है इमैनुअल सारपेंटिए ये, और दूसरी है जेनिफर डार्डना। इन दोनों ने ही संयुक्त रूप से केमिस्ट्री में जीनोम एडिटिंग की एक नई पद्धति का खोज किया था, या नई पद्धति के बारे में इन्होंने बताया था। तो जीनोम एडिटिंग क्या है, पहले यही हम देख लेते हैं। जीनोम एडिटिंग एक पद्धति है जिसके माध्यम से डीएनए
जीव जंतुओं में या व्यक्ति में डीएनए को बदला जा सकता है और इसके माध्यम से कई गंभीर बीमारियों का इलाज किया जा सकता है जीनोम एडिटिंग पद्धति के माध्यम से। तो इन्होंने जीनोम एडिटिंग की एक नई पद्धति के बारे में बताया था जिसका नाम है CRISPR-CAS9। इस पद्धति के बारे में इन्होंने बताया जो कि जीनोम एडिटिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इससे बहुत ही लाभदायी रिजल्ट देखने को मिले। इस कारण से 2020 का रसायन के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार इन्हें प्राप्त हो रहा है। एमैनुअल सार्पेंटिए ये कहाँ की है? तो ये फ्रांस की है। और जेनिफर डार्डना ये है वॉशिंगटन डीसी में, इनका जन्म हुआ था, ये अमेरिका की है। तो फ्रेंड्स, हमारे पिछले लेक्चर और आज के लेक्चर के माध्यम से करंट अफेयर्स से संबंधित जो कि 2020 में नामित किए गए, जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, के बारे में हमने दो लेक्चरों के माध्यम से पूरी तरह पढ़ लिया है और उन सभी तथ्यों को पढ़ने की कोशिश की है। लगभग सभी तथ्यों को हमने कवर किया है जो कि हमारी प्रतियोगिता और परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा और पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य ही करें। इसके लिए आप सभी को पहले से ही बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।